तो बच्चे हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं केबी के बारे में और केएफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें केबी के बारे में देखते हैं। तो केबी को हम लोगों ने बोला बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो थर्ड नाम है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नाम है। तो मान लो इसका डेफिनेशन बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये फॉर्मूला देखा था कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां पर डेल्टा टी बी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, के बी कॉन्स्टेंट था और एम क्या था, मोलैलिटी था। तो सोचो यहाँ पर डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, मोलैलिटी का वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया उस समय हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखो एक डेफिनेशन क्रिएट भी हो गया, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका एक और दूसरा फॉर्मूला भी है, वो देखते हैं क्या है। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या फॉर्मूला दे रखा है, के बी इक्वल टू आर इंटू एम वन इंटू टी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, आर गैसियस कांस्टेंट है और एम वन क्या है, एम वन यहाँ पर सॉल्वेंट पर का मोलर मास है, ठीक है। और टी वी क्या है, टी वी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है उसके सॉल्वेंट पर का। बट ध्यान रखना ये सॉल्वेंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट है। अब आप ये मत बोलना यहाँ पर टी वी नॉट क्यों नहीं दे रखा है, तो टी वी यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट पर के लिए ले रखा है, 1000 जानते हो आप, और उसी तरह डेल्टा एच वेपराइजेशन तो आप जानते हो थर्मोडाइनेमिक्स से, ठीक है, ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग केएफ के बारे में। तो केएफ को हम लोगों ने यहां पर क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाल लिया था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब इसमें वापस से हम लोग एम इक्वल टू अगर 1 कर देते हैं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ। तो इसमें फिर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेन मोलैलिटी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी ने, आप उसको भी देख लेना। तो क्या दे रखा है, के एफ इक्वल टू आर इंटू एम वन इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर आर वापस से क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है और एम वन क्या है, सॉल्वेंट पर का मोलर मास है। वहीं डेल्टा एफ क्या है, सॉल्वेंट पर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। तो डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉल्वेंट व्हाट यू आर टेकिंग, ठीक है। तो ये कई बार इस फॉर्मूला से सवाल आ जाता है, तो ये फॉर्मूला आप मगअप कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर।